दोस्तों आज मैं आपको भैंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भैंस का उपयोग पशुपालन करने के लिए किया जाता है। पशुपालन आज कमाई के लिए बहुत अच्छा स्रोत बन गया है। लोग भैंस, गाय, मुर्गी इन सभी प्राणियों का पालन किया करते हैं। पशुपालन और खेती एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। आज बहुत से किसान खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और बहुत लोगों ने पशुपालन को अपनी कमाई का स्रोत बना रखा है। दोस्तों भैंस एक चार पैरों वाला जानवर होता है जिसका पालन दूध के उत्पादन के लिए किया जाता है। भैंस को पालने वाले लोग भैंस के दूध का उपयोग दूध पीने के लिए, दूध से अलग अलग चीजें बनाने के लिए और दूध बेचकर पैसे कमाने के लिए किया करते हैं। भैंस पहले एशियाई देशों में पाली जाती थी, खासकर भारत में, लेकिन अब भैंस पूरी दुनिया में पाली जाती है। भैंस के दूध के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर आता है। भारत के अलावा एशिया अन्य देशों में भी भैंस के दूध का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों भैंस एक शाकाहारी जानवर है। भैंस सिर्फ चारा और घास खाती है। भैंस अनाज भी खाती है। भैंस के दूध में फैट गाय बकरी के दूध से अधिक होती है। भैंस के दूध में कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। भैंस को खल और भूसा अधिक दूध के उत्पादन के लिए खिलाया जाता है। दोस्तों भैंस का दूध गाढ़ा होता है। भैंस के दूध का उपयोग मक्खन बनाने के लिए और घी निकालने के लिए किया जाता है और लोगों को भैंस का दूध बहुत अधिक पसंद होता है। भैंस के दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्व मौजूद होते हैं। भैंस के दूध का उत्पादन अधिक से अधिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल देशों में किया जाता है। दोस्तों भैंस की मुर्रा नस्ल की प्रजाति सबसे अधिक दूध देने वाली नस्लों में एक मानी जाती है। दोस्तों भैंस गंगा मुर्रा नस्ल की एक उत्तम क्वालिटी की भैंस होती है क्योंकि ये प्रतिदिन दोनों समय मिलाकर 65 लीटर तक दूध दे सकती है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।